नमस्कार, जुबली पोस्ट में आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव सर पर हैं। पंचायत चुनाव के लिए तमाम तरीके की प्रधानों में और गांवों में तैयारियों का दौर चल रहा है। ऐसे में यूपी सरकार की ऐसी खबरें कुछ निकल के आ रही हैं जो शायद आपको चौंका सकती हैं। आपको बता दें कि सरकार एक नई जनसंख्या नीति पर कार्य कर रही है, जिसमें दो से अधिक बच्चे होने पर आपको कई सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। यहाँ तक ऐसा भी तय किया जा रहा है कि आपको चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है। अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपके लिए दो बच्चे से ज़्यादा होना बहुत ही मुसीबत भरा हो सकता है, और ऐसे परिवारों के लिए भी बहुत बुरी खबर है जिनके यहाँ दो से अधिक बच्चे हैं। क्योंकि यूपी की योगी सरकार कुछ ऐसी नीति पर काम कर रही है जिसमें आने वाले दिनों में आपको कई सुविधाओं और कई कड़े नियमों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि यूपी जनसंख्या नीति पर योगी सरकार बहुत ही लंबे अरसे से कार्य कर रही है। आपने आए दिन खुद सीएम योगी के मुंह से सुना भी होगा कि यूपी की बढ़ती जनसंख्या को लेकर वो कितना चिंतित दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक पिछले दिनों यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जेपी सिंह ने कहा भी था कि नई नीति जल्दी तैयार हो रही है। पिछले कई लंबे अरसे से कई राज्यों की जनसंख्या नीतियों पर योगी सरकार काम कर रही है, उस पर स्टडी कर रही है। उसके विश्लेषण के तौर पे उन राज्यों में ये देखने की कोशिश की जा रही है किन राज्यों पे जनसंख्या नीति पर नियंत्रण पाया गया है। ऐसे में अगर योगी सरकार एक नई नीति जल्दी लाती है तो आपको ऐसी सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है जिसके लिए आप अभी दावेदारी ठोकते रहे हैं। जैसे कि आपको सरकारी नौकरी मिलने में बाधा आ सकती है, आपको चुनाव लड़ने में बाधा आ सकती है, आपको कई सामाजिक नीतियों में भाग लेने में बाधा आ सकती है, आपको सरकारी नौकरी में अप्लाई करने के लिए बाधा आ सकती है, आपको यहाँ तक राशन लेने के लिए भी बाधा आ सकती है। अगर आप यूपी में रहते हैं तो आप अभी से सावधान हो जाएं, क्योंकि आने वाले समय में आपको अगर यूपी में रहना है तो कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार जनसंख्या के नियमों को इतना कठिन बनाने जा रही है जिसको लेके आपको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जुबली टीवी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।